विदिशा भाजपा के लिए आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जिले के एक पूर्व मंत्री का हनी ट्रैप वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद भाजपा के संगठन चुनाव में ताजपोशी के बदले 3 लाख रुपए की लेन देन का एक ऑडियो वायरल हो गया। गंज बासुदा मंडल के अध्यक्ष पद को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राकेश यादव का एक ऑडियो जिसमें की मंडल अध्यक्ष की ताजपोशी के बदले में 3 लाख के लेन देन का ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने मंगलवार को एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी विनायक वर्मा को एक शिकायती आवेदन दिया और बताया कि सोशल मीडिया में एक फर्जी ऑडियो वायरल करके मुझे झूठे आपराधिक प्रकरण में फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस मामले का पर्दाफाश होना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश यादव ने बताया कि फर्जी वायरल ऑडियो में गंज बासुदा मंडल अध्यक्ष चुनाव का जिक्र किया है, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष पद के एक दावेदार और मेरे बीच लेन देन को लेकर बातचीत का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें मेरी आवाज़ नहीं है। गंज बासुदा में सनी भावसार को निष्पक्ष रूप से मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, उसमें कोई विवाद नहीं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। विदिशा जिले में भाजपा अध्यक्ष श्री राकेश यादव द्वारा कल शिकायत दी गई है विदिशा पुलिस को कि उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। उस ऑडियो में कुछ पैसे के लेन देन का उल्लेख है और उनके द्वारा कहा गया है कि उनके नाम से ऑडियो वायरल किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से झूठा है। उनने पुलिस से डिमांड किया है कि इसके ऑडियो की जांच कराई जाए और इसको यदि झूठा पाया जाता है तो जो लोग जिम्मेदार हैं इसको वायरल करने के लिए उनको सज़ा दिलाई जाए। उनका आवेदन विदिशा पुलिस द्वारा स्वीकार किया गया है और एक जांच ऑर्डर कर दी गई है। इस जांच को लीड करेंगे श्री डीडी वीरा, जो क्राइम ब्रांच प्रभारी भी हैं और साइबर सेल प्रभारी भी हैं। ऑडियो की जांच भी की जाएगी, साथ ही कहां से शुरू हुआ और किस तरह से ये वायरल हुआ तो उसकी जांच पड़ताल करेंगे। हमें उम्मीद है जल्दी से खुलासा किया जाएगा। जिला अध्यक्ष की ओर से सर कोई अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी बात आई है कांग्रेस पार्टी से किसी ने उनको फंसाने की साजिश की ऐसा कोई? जिला अध्यक्ष ने जो लिखित में और मौखिक रूप से जो लेख किया है, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष जो लेख नहीं किया है, डेफिनेटली उन्हें कहा है षड्यंत्र के तौर पर उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन कोई नाम उनके जरिए उजागर नहीं किया गया है। हमें उम्मीद है हमारे इन्वेस्टिगेशन में यह नाम सामने आ जाएगा। क्वेश्चन होगा जवाब जी, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है इसके बारे में आपका क्या कहना है? विदिशा जिले में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के चुनाव हमने निष्पक्ष ईमानदारी और पारदर्शिता के तहत कराए। जब मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए उसमें हमने एक चुनाव प्रभारी, एक सह प्रभारी और पर्यवेक्षक बनाए। पूरी पारदर्शिता से मंडल अध्यक्षों के चुनाव हुए। यह देखकर अन्य राजनीतिक दलों ने द्वेषपूर्ण एक आईडियो मेरे नाम से जारी किया है कि इसमें मेरी आवाज़ बताई गई है, जो पूर्णतः फर्जी है, उसमें मेरी आवाज़ नहीं है। इसी बात को लेकर मैंने एसपी विदिशा को एक आवेदन दिया है, जिसमें निवेदन किया है कि अगर मेरी आवाज़ पाई जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अगर इसमें मेरी आवाज़ नहीं पाई गई और अगर जिन्होंने आईडियो वायरल किया है उन तक पुलिस पहुंचती तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने कब आवेदन दिया एसपी को? एसपी को मेरे पास रात्रि में 18 तारीख को 8:39 पर भोपाल के एक पत्रकार सुनील दत्त तिवारी, उन्होंने अपना नाम बताया, राष्ट्रीय हिंदी मिल के संपादक हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत देर से संपर्क करना चाहता हूँ, आपका एक आईडियो वायरल हुआ है, आप व्हाट्सएप पे देख लें और उसके बाद आप प्रतिक्रिया दें। तो पहली प्रतिक्रिया उन्होंने ली, उसके तुरंत बाद मैंने वो आईडियो फॉरवर्ड किया एसपी विदिशा को और मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला है। और अगले दिन सुबह मैंने एसपी साहब को 12:30 के आसपास अपना आवेदन पत्र उनको दे दिया था। उसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि इसमें जाँच होना चाहिए आईडियो की और जो भी दोषी हो, मैं हूँ या जिसने फर्जी बनाया, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। मैं आपके माध्यम से एक और एसपी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि विदिशा में कई बार फर्जी आईडियो वायरल हुए लेकिन आज तक उसमें कोई खुलासा नहीं हो पाया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से कि इसका खुलासा आवश्यक रूप से करने की कृपा करें, धन्यवाद। क्या लगता है आपको कौन हो सकते हैं इसके पीछे? मैंने बताया ना कि विरोधी दल के लोग हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई पार्टी से संबंधित लगता है क्या? उसके द्वारा किया? नहीं, मेरी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इतने इस स्तर का नहीं जा सकता। सर, इंडिया फर्स्ट में मुकेश, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये मैटर चल रहा है 2-3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन आपको जितना एग्रेसिव होना चाहिए वैसा ना देखते, आप थोड़ा डिफेंसिव मूड में क्यों दिख रहे हैं? नहीं, मेरी वर्किंग ये, मैं बहुत स्लो भैया चलता हूँ, मैं कभी किसी से लड़ाई झगड़े मेरी आपने सुना नहीं होगा।